के थाना सासनी इलाके के गांव बतिस्सा में दबंग के आगे मजबूर हुए गंदगी में जीने को ग्रामीण। प्रशासन भी बौना साबित हो रहा है एक दबंग के सामने। दबंग की दबंगई के चलते गांव में फैला है गंदगी का साम्राज्य। रास्ता भी लगभग हो चुका है बंद। ग्रामीण गंदे पानी में से निकलने को हो रहे हैं मजबूर। कुछ लोग गंदगी में गिरकर हो चुके हैं चोटिल। लोकल अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत करने के बावजूद भी नहीं हल हुआ है ग्रामीणों की समस्या का। गांव के दबंग रिंकू के सामने फेल है लोकल प्रशासन भी। दबंग रिंकू ने जबरन बंद कर रखी है सैकड़ों वर्ष पुरानी गांव की नाली और कब्जा कर रखा है अवैध रूप से नाली की जगह पर। अब देखना यह होगा कि आखिर कौन निस्तारण करेगा ग्रामीणों की समस्या का, जबकि ग्राम प्रधान भी दे चुका है लिखकर SDM सासनी और शिकायतकर्ता, और साथ ही ग्रामीण भी जगह जगह गुहार लगा चुके हैं समस्या समाधान के लिए। पेश है हाथरस से प्रतीक वैष्णव की खास रिपोर्ट। कौन से गांव के निवासी हो? नगला बत्तीसा। अच्छा, मामला क्या है आपका? नाली गांव की गंदे पानी की बंद कर दिया, जो कि 100 साल से चल रही थी। करीब 40 साल से उसको बार बार प्रधान रिपेयरिंग कराते रहते हैं और वो पानी उसी में निकलता रहता है। अब एक हमारे गांव का व्यक्ति है रिंकू, वो दबंग टाइप का है, उसके सामने कोई बोलता नहीं है। हमने पुलिस को बुलाया, पुलिस उसको खुलवा गई, फिर उसने बंद कर दी। हम उससे बहुत परेशान हैं, गांव में पानी भर रहा है और बीमारी की बहुत आशंका है, यानी कितनी बीमारी बढ़ जाए। मैंने DM साहब को पत्र लिखा, DM साहब ने SDM साहब को लिखा, SDM साहब से हम मिले, उन्होंने तहसीलदार साहब के लिए लिखा। मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। मैं निवेदन करता हूँ उस नाली को कृपा करके खुलवाएं साहब, बहुत गंदगी फैल रही है गांव के अंदर। 100 साल पुरानी नाली है, उस दबंग के सामने कोई बोलता नहीं। आपका प्रधान कौन सा लगता है? प्रधान कोमरी है, माजरा बत्तीसा है। प्रधान भी आया, उसने भी 112 नंबर पर फोन करके पुलिस बुलाई, उसके सामने वो नाली खुलवाई, 2-3 बार खुलवा दिए साहब, बार बार बंद कर देता है और दबंग पना